हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेट के एम क्लासेस में तो आ जाइए सब लोग फटाफट पड़ जुड़ जाइए और आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस इन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में एसिड और बेस चैप्टर या फिर जैसे एसिड बेस केमिस्ट्री आप कह सकते हो उसे आज हमें डिस्कस करना है ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर वन हमारा ये आज लेक्चर वन है ठीक है और ये लेक्चर वन लगातार आपका पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज चलेगी ठीक है तो सब लोग जुड़ जाइए फटाफट और उसके बाद लेक्चर वन है एसिड एंड बेसिस इन केमिस्ट्री आज सीखेंगे आखिरकार क्या होते हैं एसिड्स एंड बेसिस काफी इंपॉर्टेंट uh, चैप्टर है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एसिड बेस केमिस्ट्री अगर आप सीखेंगे तो उस चैप्टर को मैं एक्चुअली एसिड बेस के तरीके कवर नहीं कराऊंगा पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी को यहां पर हम लोग बार बार इधर उधर से जहां से रिलेट कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें रिलेट करेंगे आज इस लेक्चर में मैं आपको पूरे एसिड बेस केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे आपको एसिड और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट होता जो है जो थ्योरीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी क्लियर हो जाएंगी सबको आपस में आप को रिलेट कर पाओगे क्या क्या थ्योरीज हैं आखिरकार किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कंपाउंड का एज अ कैटेगरी ऑफ एसिड एंड बेसिस इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारे एसिड बेस केमिस्ट्री आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जहां कहीं पर भी एसिड और बेस वर्ड आता है हर जगह के सवालों को उठाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये इनऑर्गेनिक चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ठीक है जैसे आप कह सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने से हमें काफी कुछ इनऑर्गेनिक में सीखने को मिलता है जो पूरी की पूरी हमारी केमिस्ट्री में हमें हेल्प करता रहता है लगातार इसी तरीके से ये जो आपका एसिड बेस चैप्टर है अगर आप इसे अच्छे से समझ जाए आपको यहां पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इसे दिमाग से समझ जाएं कि आखिरकार ये चैप्टर है कैसे कैसे ये डिजाइन हुआ है कैसे इसमें अलग अलग थ्योरीज आई हैं, क्या कहना चाहता है क्या असली कॉन्सेप्ट होता है एसिड्स एक्चुअली होते क्या है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एसिडिक स्ट्रेंथ ये सारी की सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी और इसके बाद धीरे धीरे आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे वो मेन ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो कहीं का भी कॉन्सेप्ट हो आप उसे अच्छी तरीके से समझना शुरू कर देंगे तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू एसिड बेस एंड केमिस्ट्री सब लोग फटाफट आ जाइए और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए भाई देखते हैं कितने लोग आकर कनेक्ट हो गए हैं और उसके बाद मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूं वेलकम बैक एवरी वन वेलकम वेलकम सभी का स्वागत है हाँ बिल्कुल अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है सो इट वॉज

उंडस की जो हम लोगों ने और हम लोगों ने केमिस्ट्री को बेसिकली जो हमारी प्यारी सी केमिस्ट्री है जरा ध्यान से समझते रहेगा पूरे चैप्टर को ये जो हमारी केमिस्ट्री चैप्टर है केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग चीजों को अलग अलग समय पर लगातार पढ़ रहे थे ठीक है लेकिन एटीन के टाइम पर जब बेसिकली केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें एटम्स को डिस्कवर करना शुरू किया गया उनके ऑर्बिटल्स के बारे में बातें शुरू हुई एटम्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके बारे में स्टार्ट किया गया एटम्स को हम लोगों ने क्या किया उनका emission spectra देखा देखा मतलब के के हमने हमने ऊपर डाली और से से निकलने वाले जो था उसको measure किया गया तो तो पता चला कि के अंदर अच्छा अलग अलग cells होती हैं ठीक है इस इस तरीके से फिर धीरे-धीरे को आगे बढ़ाया bonding सीखी इस structure सीखे, उनका तो इन्हीं सब चीजों के दौरान आपको जो बेसिकली उस समय रिसर्च चल रही थी अजीब सी और बहुत ही अलग टाइप की रिएक्शन लोगों को देखने को मिली वो रिएक्शन ऐसी थी कि जब हम डिफरेंट और केमिस्ट्री में कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड्स देखे गए कुछ हमारे क्या देखे गए ऐसे कंपाउंड्स देखे गए इन कंपाउंड्स को अगर आपस में मिलाते थे जब हम जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कंपाउंड्स थे कि हमने देखा कि दो डिफरेंट ऐसे कंपाउंडस हैं अगर हम उन्हें आपस में मिलाएं तो आपस में मिलाने से क्या हो रहा था कि वहां पर बहुत ही खतरनाक लेवल की वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनकर सामने आ रही थी समझ पा रहे हैं आप बात को कि मतलब उस समय देखा गया कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिन्हें आपस में मिक्स करने पर बहुत ज्यादा बिल्कुल उसी तरीके से हो रही थी जैसे उस समय फिजिक्स में अगर आप अपोजिट चार्जेस को आपस में मिला दो तो आफ्टर कनेक्टिंग द अपोजिट चार्जेस वहां पर क्या होता है डिस्चार्ज होता है यहां पर क्या होता है एनर्जी

कैन बी रिगार्डेड एस एसिड्स एंड बेसिस क्योंकि उससे पहले उन कंपाउंड्स के अंदर हमने ऐसी प्रॉपर्टीज देखी जो एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर को दिखा रही थी और उस टाइप के कंपाउंड को आपस में मिलाने पर क्या हो रहा था न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो फेमस जो एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी गई चीजें वो एक्सप्लेन करी सबसे पहले आर्िनियस ने आर्नियस ने कहा कि कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड एज एसिड्स एंड बेसिस कंपाउंड को हम एसिड्स और बेसिस की कैटेगरी में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं हमारे जो भी कंपाउंड होते हैं

तो आफ्टर द डिसॉल्वेशन ये क्या करते हैं आयनाइजेशन के थ्रू आयनाइजेशन के थ्रू मतलब खुद का आयनाइजेशन कराकर सॉल्यूशन में क्या करते हैं H प्लस को क्या करते हैं रिलीज करते हैं H प्लस को क्या करते हैं रिलीज करते हैं तो इन्होंने इन्होंने ये एसिड कंपाउंड जितने भी थे उनके अंदर एक एक सबसे पहला पॉइंट देखा कि Arrhenius ने ये देखा और पाया कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हम देख रहे थे वो सारे के सारे जब एक्वस मीडिया में जा रहे हैं तो आयनाइजेशन के थ्रू अपने अंदर से ही अपने मॉलिक्यूल के अंदर से क्या करते उस सोलवेंट में एक्वस सोलवेंट में क्या कर रहे थे एच प्लस को रिलीज कर रहे थे इसी तरीके से इन्होंने क्या देखा सेकंड जो पॉइंट इन्होंने देखा वो ये देखा कि बेसिस जो है बेसिस के अंदर भी सेम नेचर है बस ये क्या कर रहे हैं इनके अंदर क्या है ये ओ एच माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं है? और ओ एच माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं

सकते हैं ठीक है उस समय उसकी इंपॉर्टेंस थी स्टार्टिंग में अपने-अपने कॉन्सेप्ट्स के बाद जरा देखना आप कॉन्सेप्ट्स में कैसे लगातार परिवर्तन आएगे तो जब ये परिवर्तन आया ये सारी की सारी चीजें देखी गई तो इसी के आगे इसी के आगे क्या हुआ इसके आगे जरा ध्यान से समझना इसके आगे बेसिकली क्या हुआ इस थ्योरी के बाद चीजों को और सही से समझा गया और समझने के बाद बेसिकली आपके ब्राउन्टेंट और लॉरी ब्रॉन्सटेंट और लॉरी दो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसिड और बेसिस को समझा और समझने के बाद अपना एक पॉइंट दिया ब्रॉन्स्टेंट लॉरी जी आए ब्रॉन्स्टेंट लॉरी ब्राउनस्टेड लॉरी

प्रोसेस हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं चीजें ऐसी नहीं है एक्चुअली बात क्या है कि आप कह सकते हो कि दोस कंपाउंड विच डोनेट एच प्लस एच प्लस डोनर्स इन्होंने क्या कहा एच प्लस जो डोनर्स हैं वो क्या है आपके एच प्लस डोनर्स आर बेसिकली कॉल्ड एच प्लस डोनर्स आर बेसिकली कॉल्ड एसिड और इन्होंने, इन्होंने तो लायाप्ट में चेंजमेंट लाया वो आपके बेसिस हैं इसका मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ यहां से बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई यहां से तो चेंजमेंट आ ही गया था लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चेंजमेंट आने शुरू हुए तो इस थ्योरी ने कंट्रीब्यूशन क्या दिया इस थ्योरी ने एक बात समझाई कि कभी भी कोई एक एसिड आएगा जब भी कोई एक एसिड आएगा मान लो एक एसिड ए है ठीक है और इसके साथ अगर आप क्या करोगे अगर इसे अपनी एसिडिक नेचर दिखाना होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा इसे एच प्लस को रिलीज करना पड़ेगा और जब वो एच प्लस को रिलीज करेगा तो वो एच प्लस जाकर कहीं ऐसे तो हवा में तो घूमने नहीं लगेगा वो एच प्लस कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट किया जाएगा इसका मतलब है, जिस समय ये एसिड अपना एसिडिक नेचर दिखा रहा होगा उसी समय इसके साथ एक बेसिक नेचर वाला कंपाउंड भी साथ में होना चाहिए और जब ये एसिड इस बेस के साथ कंपेयर करेगा तो इसके बाद क्या होगा इससे एक नया एसिड और एक नया बेस बनेगा समझिएगा जरा ध्यान से बात को क्योंकि इसने इसको क्या किया इसने जरा ध्यान समझना इसने इसको क्या किया इसने इसको दिया एच प्लस तो इसका मतलब है इस बेस से जो इसका अगला पार्ट बना होगा वो एक एसिड बन गया होगा वो इसका क्या बन गया होगा एसिड बन गया होगा तो मतलब इस बेस का जो ये बेस है इसका ये क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा और ये एसिड जो होगा वो इस एसिड से क्या वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है अगर ये एसिड वीक है तब रिएक्शन कैसे जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मतलब सीधी सी बात है कि दो एसिड बेस होंगे और उनसे उनके कॉन्जुगेट एसिड बेस बनेंगे और ये थ्योरी जो थी ब्रॉन्स्टेंड लॉरी की ये कॉन्जुगेट एसिड बेस के नाम से बहुत फेमस हुई किस नाम से फेमस हुई कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से बहुत

हो सकता है वो बेस बहुत तेजी से हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग नेचर शो करे बहुत कम एक्सेप्टिंग नेचर शो करे तो इसके हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग नेचर के आधार पर आपने क्या किया एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ जो आप इससे एसिड की कंपेयर कर रहे थे वो इस पर डिपेंड करने लगी और कभी भी हम लोग किसी भी एसिड को क्या करें कभी भी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना हो तो हम हमेशा हम हमेशा क्या करते हैं एक रेफरेंस बेस लेना पड़ता है इसे क्या बोला गया रेफरेंस बेस लेना पड़ेगा क्योंकि इसे नेचर दिखाने के लिए इसे अपना रेफरेंस बेस दिखाना ही पड़ेगा और यह रिफरेंस बेस क्या? किसका काम कर सकता है हम लोग अधिकतर क्या करते हैं सॉल्वेंट यूज करते हैं कि अलग अलग एसिड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उसके लिए आप अलग अलग सॉल्वेंट यूज करो एक साथ अलग अलग सॉल्वेंट में उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं कर सकते हो मतलब कहने का क्या है मतलब यहां से यह कॉन्सेप्ट खुलकर आपके सामने आया कि आपका एच सी एल एच बी आर और एच आई ये तीन एसिड अगर आपके पास है और आपको इन तीन एसिड का क्या करना है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो यहां से ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे हवाबाजी में नहीं कर सकते इसके लिए कौन सा सॉल्वेंट या फिर कौन सा रिफरेंस बेस यूज कर रहे हो वो क्लियर आपको करना पड़ेगा तब आप क्या कर सकते हो एसिड और बेस को क्या कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो तो इसका मतलब है इन्होंने एक कहीं ना कहीं एक सोच स्टार्ट करी जिस सोच का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने सॉल्वेंट इफेक्ट को क्या करना सीखना शुरू किया कि आखिरकार सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है एसिड और बेसिक के एसिड और बेस के नेचर में उनकी जो स्ट्रेंथ होती है रिलेटिव एसिड बेस स्ट्रेंथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हम सभी के लिए तो वो सब कहां से शुरू हुआ वो सब यहां से शुरू हुआ जब ये सारी चीजें चल रही थी और ये सारी चीजें क्या हुई काफी दिनों बाद समझी गई मतलब उन्होंने पहले अपना एक रियल दिया अपना एक रूल दिया और उसके बाद धीरे धीरे जब उस पर और स्टडी होती गई तो ये सारी की सारी चीजें समझी गई अब इसके बाद जरा ध्यान से समझो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आए आपके भैया इसके बाद आए आपके क्या लेविस जी क्या है लेविस जी और लेविस जी ने कहा कि देखो तुम्हारी बात ऐसी है कि आप कह रहे हो कि एसिड क्या है आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि एसिड क्या है एसिड है आपके प्रोटॉन डोनर और बेसिस हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर उनको आप कॉन्जुगेट एसिड बेस करो बात सही है लेकिन कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कई जगह एसिड बेस ऐसे कंपाउंड्स मैंने देखे हैं और कई जगह ऐसी स्टडी पाई गई हैं जिसके आधार पर लेविस जी ने जो अपना नियम दिया लेविस कॉन्सेप्ट जो आया लेविस कॉन्सेप्ट ने कहा कि देखो ऐसा बात नहीं है जैसा आप कह रहे हो वैसा तो सही है वैसी बात तो ठीक है लेकिन आप इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हैं एक्सेप्टर हैं क्या हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं आप सभी लोग लगातार साथ में जुड़े रहिए मैं आप सभी से आराम से बात करूंगा पहले मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर दूं उसके बाद आप डाउट पूछेंगे उसके बाद आप जो पूछना चाहेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो सुनते रहिए ध्यान से तो इन्होंने क्या कहा लेविस जी ने कि ठीक है यार देखो बात तुम्हारी सही है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अगर तुम इसे कह दो तो ये भी वही बात हो जाएगी एक तरीके से तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एसिड्स क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और बेसिस क्या है और बेसिस क्या, क्या है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर

फ्लड एक थ्योरी आप सुनते हो बचपन से लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ने क्या किया उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड को स्टडी किया जिसके आधार पर उन्होंने देखा और यह पाया कि जो आपका एसिड है जो आपका क्या है एसिड है यह एसिड क्या है ऑक्साइड आयन

और आपके मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इस तरीके से अलग अलग ऑक्साइड्स को स्टडी किया और उन्होंने कहा उनके अंदर भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होती है लेकिन वहां पर आपकी बात आ जाती है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर की ऑक्साइड आयन क्या है यहाँ पर आपका ऑक्साइडन है ओ टू माइनस ठीक है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर आपका क्या होगा एसिड होगा और ऑक्साइड आयन डोनर जो होगा ऑक्साइड आयन डोनर जो होगा वो क्या होगा वो होगा आपका बेस ठीक है तो ये जो दो थ्योरीज आई ये तो ठीक थी यहां तक तो कहानी सारी सही चल रही थी बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजों को क्लियर किया जा रहा था लेकिन जो मेन चेंजमेंट आया था ब्रोंस्टेड लोरी कांसेप्ट के आधार पर उसको चेंज करते हुए उसको चेंज करते हुए डिफिनिशन लाई गई जिसने पूरे के पूरे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को ही हिलाकर रख दिया उन्होंने एसिड बेस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया और अलग तरीके से सोच सबके सामने स्टार्ट हुई और जिस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का नाम था सॉल्वेंट सिस्टम सोल्वेंट कि सॉल्वेंट पर कैसे सॉल्वेंट बेस्ड तो इसके बाद कुछ चीजें चेंज कर दी उसको जरा ध्यान से समझो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट क्या है ये हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट बेस्ड डिफिनिशन सॉल्वेंट बेस्ड डिफिनीशन तो सॉल्वेंट बेस्ड डिफिनीशन कहां से हमें समझना शुरू हो गई थी जब हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड बेस को समझना शुरू किया तो सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ने किया क्या क्या चीजों को एकदम से जनरलाइज कर दिया सारी की सारी जो थ्योरी पढ़ी जा रही थी उनको एक तरीके से एक धागे से पिरो दिया और एक रूल बताया इन्होंने और रूल क्या बताया रूल बताया बताया गया रूल ये बताया गया रूल कि जो आपके एसिड्स होते हैं एसिड्स जो होते हैं आपके एसिड्स आर द कंपाउंड एसिड्स आर द कंपाउंड एसिड्स आर द कंपाउंड जब इनको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो so, सॉल्वेंट जो भी कोई होता है इन्होंने कहा कि जो भी आपका एक सॉल्वेंट होता है एक इन्होंने एक पॉइंट सिर्फ समझाया था यहां पर उन्होंने क्या कहा कि जो भी कोई आपका सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट हमेशा ऑटो आयनाइजेशन दिखाता है ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट सोज ऑटो आयनाइजेशन इन्होंने ये बात बस इंट्रोड्यूस करी थी कि सारे के सारे सॉल्वेंट क्या करते हैं ऑटो ऑटो ऑटो

OH- में चेंज हो जाएगा मतलब कि इस वाटर का आयनाइजेशन वाटर की वजह से ही हो गया तो ऑटो आयनाइजेशन होता है इन्होंने कहा कि सारे के सारे सॉल्वेंट जो हैं वो क्या करते हैं ऑटो आयनाइजेशन शो करते हैं तो एसिड्स क्या हैं एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जब आप उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे जब आप उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे जैसे ही आप उसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से वो सॉल्वेंट के ऑटोआइनाइजेशन से बन रहे कैटाइनिक पार्ट का जो कंसंट्रेशन है जो कंसंट्रेशन है इस कंसेंट्रेशन को वो क्या कर देगा इस कंसेंट्रेशन को वो इंक्रीज कर देगा तो इन्होंने कहा कुछ भी हो कोई भी कंपाउंड हो कैसा भी नेचर हो हाइड्रोजन कंटेनिंग हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसके अंदर प्रोटॉन की कमी हो कुछ भी कमी हो उसने अगर यह काम कर दिया अगर उसने यह काम कर दिया क्या काम कर दिया कमाल कर दिया क्या काम कर दिया काम ये कर दिया कि अगर वो एसिड अगर वो एसिड ऐसा कंपाउंड है अगर उसने सॉल्वेंट पर डिजोल्व करने पर वो उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से बन रहे कैटाइनिक पार्ट को क्या कर दे इंक्रीज कर दे तो वो क्या कहलाएगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका वो कंपाउंड कहलाएगा आपका एसिड वो कंपाउंड क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा इसी तरीके से इन्होंने बेसिस को कम डिफाइन किया बेसिस में आपके जो बेसिस हैं बेसिस, भिल्कुल भिल्कुल बात थी, बेसिस में क्या कोई नहीं इन्होंने कुछ नहीं कहा एच प्लस होना चाहिए और अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जो पुरानी थ्योरीज थी ना उन्हीं थ्योरीज से सीख सीख कर इन्होंने अपनी ये डिफिनेशन दी थी कोई नई साइंस इन्होंने नहीं बता दी थी लेकिन चीजों को जनरलाइज कर देना आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देना बहुत बड़ी बात थी तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपके बेसिस हैं बेसिस बेसिकली क्या है बेसिस वो कंपाउंड्स हैं बेसिस आर दोअर कंपाउंड्स बेसिस आर दोस कंपाउंड्स बेसिस आर दोस कंपाउंड्स जो किसी सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किए जाएं जब किसी सॉल्वेंट में जब वो डिसॉल्व किए जाएं तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो करने से उस सॉल्वेंट में उन्हें डिसॉल्व करने से उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन ऑटो आयनाइजेशन उनके ऑटो आयनाइजेशन से बन रहे एन आयनिक पार्ट को एन आयनिक पार्ट के कंसंट्रेशन को ते वो क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा वो क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा और ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा बेस कहा जाएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल हूं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल क्या बताता हूं एग्जाम्पल आप जरा देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल ये है कि अगर आप बात करें एनएच को एनएच को आप क्या कर रहे हैं सी एस थ्री सीओ एच एसिडिक एसिड सॉल्वेंट में यूज कर रहे हैं एसिडिक एसिड सॉल्वेंट इन्होंने बताया कि ये बेस किस तरीके से इन्होंने ये बताया कि अगर आप इसे सॉल्वेंट में यूज कर रहे हैं तो ये बेस का काम करेगा बेस का काम कौन करेगा बेस का काम करेगा एन कैसे करेगा इसको इन्होंने इस तरीके से बताया इस तरीके से समझाया कि आपका जो सी एस थ्री सी ओ एच है यह ऑटो आयनाइज होता है क्या होता है ऑटो आयनाइज क्या बनेगा सी एस थ्री सीओ एच टू पॉजिटिव प्लस सीएस थ्री सीओ माइनस प्लस सी एस थ्री सीओ माइनस इनका कहने का था कि देखो ये आएगा आपका बेस क्या आएगा ये आपका आएगा बेस एनओ एच एन क्या करेगा एन जल्दी से आएगा इसका एक प्रोटॉन खा जाएगा और इसका एक प्रोटॉन खाने से क्या करेगा ये किस में चेंज हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस में मतलब है कि ये जो कहानी चल रही थी ये तो चल ही रही है सॉल्वेंट में लेकिन इसके आ जाने की वजह से क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस यहां पर एनए जो होगा वो इस सॉल्वेंट में क्या करेगा बेस का काम करेगा अब इसी आधार पर जब इस थोड़ी को और हम

कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो अभी तक चल रही है जो अभी तक एसिड बेस कॉन्सेप्ट की थ्योरी चल रही है सिर्फ आपको उतनी समझ में आ जानी चाहिए आगे तो हम कर ही देंगे चलिए चलिए बताइए भाई ये यह बात यहां तक आप सभी को जितनी मैंने बातें क्लियर बताई हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आप समझे कि, कि किस तरीके से कहानी चल रही थी किस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही थी कैसे हम सॉल्वेंट डिफिनेशन की तरफ बढ़े ये बात आप सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई बता दीजिए फटाफट बता दीजिए फटाफट सब लोग कमेंट करके कि हाँ यहां तक मुझे सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं किसी का कोई भी डाउट है तो आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं यहां पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं चलिए सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया चलिए रेफरेंस बुक बताइए ना रेफरेंस बुक भी बताएंगे पहले आप क्लियरली समझ लीजिए प्रोनाउंस प्रोनासीसन डजेंट मैटर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स दैट्स वाई वी आर हेयर ओके ठीक है तो यहाँ पर सही बात है इंग्लिश पढ़ने तो हम बैठे नहीं हुए हैं हो जाता है क्लियर थोड़े डाउट्स आ जाते हैं कोई बात नहीं अब कुछ लोगों के दिमाग में होता है कमियाँ निकालने की आदत थोड़ी सी इग्नोर ऑल दिस पर्सन ओके तो यहां तक हमने चीजें समझी अब इसके बाद इसके बाद क्या हुआ इसके बाद कहानी यहां आकर रुकती नहीं है हमने यहां पर आके सारी की सारी चीजें रुकी नहीं एसिड बेस सॉल्वेंट सिस्टम तक नहीं रुका सॉल्वेंट सिस्टम के बाद और इसे अच्छी तरीके से कंपेयर किया गया और अच्छी तरीके से कंपेयर किया गया और उसके बाद क्या हुआ एसिड बेस को एक नई थ्योरी लाई गई एसिड बेस की और जिस थ्योरी का नाम था जिसे दिया था यू सैंडविच कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसे क्या बोला था यू सैंडविच कॉन्सेप्ट बोला जाता है और ये कॉन्सेप्ट अगर आप अभी समझेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि यह कॉन्सेप्ट है क्या जब इस कॉन्सेप्ट को अभी आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट है क्या Concept ने you sandwich, you sandwich या फिर जो भी है है आप लिख लीजिए ठीक ये अगला concept था का और ये कॉन्सेप्ट काफी मैच्योर कॉन्सेप्ट था अब आप ये देखना अब आप ये देखना कि ब्रॉन्स्टन लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया था जरा ध्यान से समझना जो ब्रॉन्स्टेंट लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया था एक मिनट के लिए रुक जाइए इसका बैकग्राउंड मुझे हटाना पड़ेगा यहां से ठीक है जस्ट अ वन मिनट जस्ट अ वन मिनट बैस भाई, भाई, हो गया, ओके ओके क्लियर, क्लियर ठीक है तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई ठीक है ये इसके लिए माफ कीजिएगा थोड़ा सा अभी एक पावर केबल हमें लाकर कनेक्ट करनी है उसके बाद ये सारी की सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी सो so, कॉन्सेप्ट्स के बारे में हाँ बात आ रही कॉन्सेप्ट्स में अगर किसी ने भी आ, किसी को भी कॉन्सेप्ट में अगर उनको इंग्लिश में बोलने की जरूरत है तो आप बताना मैं इंग्लिश में बता दूंगा दोस् पर्सन हु वॉन्ट टू लर्न सम पॉइंट्स इन इंग्लिश ऑल्सो प्लीज कमेंट वेन आई विल आस्क यू ओके देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस लेक्चर इन इंग्लिश ऑल्सो एट द लास्ट ओके सो जस्ट बी देयर जितना समझ पा रहे हो उतना समझो बात क्या थी इसके बाद ये जो, जो रिसप्ट आया इस कॉन्सेप्ट ने देखो किया क्या इस कॉन्सेप्ट ने आपके ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जिसने कॉन्जुकेट बेस को जन्म दिया कॉन्जुकेट बेस के आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है उसके आधार पर सॉल्वेंट का नेचर कि सॉल्वेंट को हम लोग एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में कॉन्जुकेट मतलब एक रेफरेंस बेस यूज कर सकते हैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए तो सॉल्वेंट के आधार पर अलग अलग तरीके से सॉल्वेंट डेफिनेशन आई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी बहुत ही अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट था

एनआईन एक्सेप्टर हूं जो एन आयन एक्सेप्टर हूं

करे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या कैटायन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक है इसी का अपोजिट एनायन एक्सेप्टर तो कैटायन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का क्या हो जाएगा लोन पेयर लोन पेयर एक्सेप्टर लोन पेयर एक्सेप्टर ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट क्या था यूसेनिक कॉन्सेप्ट ने क्या करके बताया हमें कि हमारे जो एसिड बेस होते हैं ना ये कुछ नहीं होते हैं कुछ अलग कंपाउंड नहीं होते कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अपने अंदर से पार्ट को रिलीज कर सके अब वो कैटाइन कोई एक कैटाइन भी हो सकता है या तो फिर वो अपने अंदर से क्या करें क्या नाम है किसी कैटाइन को बाहर निकाल दें या तो अपने अंदर खुद कैरेक्टर को रखते हो या तो फिर वो जैसे एच जो हम लोग बोलते थे ना कि एच दे 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 जो आपका है केटायन डोनर केटायन डोनर के दो मतलब हो सकते हैं ध्यान समझना एक तो या तो वो H प्लस डोनर हो या जिस तरीके से हम लोग डोने, डोनेशन की बात करते थे या तो वो डायरेक्टली कैटायन डोनर ना करे और किसी सॉल्वेंट के किसी सॉल्वेंट के कैटाइनिक पार्ट को

जाएंगे बेसिस क्या हो जाएंगे कैटाइन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आपके क्या हो जाएंगे बेसिस हो जाएंगे अब यहां पर एक जो छोटी सी चीज आपको समझनी है जो बेन बेसिक पॉइंट है इसका वो ये आपको समझना है वो आपको ये समझना है क्या कि आपका जो जो आपका ये युसैनविक कॉन्सेप्ट है युसैनविक कॉन्सेप्ट

तो यहां पर जो एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जरा ध्यान से समझना इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहा इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब कि यहां पर यूसैनवी कॉन्सेप्ट ने तो लगभग सारी की सारी रिएक्शंस को सारी की सारी रिएक्शंस को इन्होंने एज एसिड बेस रिएक्शन की तरीके जनरलाइज करके छोड़ दिया मतलब कास्ट जो सब तुम कह रहे हो सब बातें सही है तुम सब लोगों को मिल जाना चाहिए और एक नई थ्योरी मैं देता हूं यह है मेरी यूसैनविक कॉन्सेप्ट

कभी चीजों को रिलेट नहीं किया अभी रिलेट करते हैं बैठ जाइए ध्यान से और देखिए बोर्ड की तरफ बात क्या है बात यह है कि सबसे पहले जो आपके आर्नियस जी आए जी ने कंपाउंड्स देखे कम कुछ और कुछ ऐसे कंपाउंड देखे जो कंपाउंड्स आपस में मिक्स होने पर बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहे थे और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करने की वजह से उनके अंदर दो अपोजिट नेचर थे जैसे कि फिजिक्स में दो अपोजिट चार्जेस के बीच में होते हैं यही बात है यही बात है कि नहीं है तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम मैं क्या कर सकता हूं मैं अब कंपाउंड्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और ये इससे पहले भी हो चुका था लेकिन आरिनियस की थ्योरी एसिड बेस के नाम मामले पर थोड़ी ज्यादा फेमस हुई उससे पहले भी किसी ने कोई रिसर्च पेपर निकाला होगा कुछ किया होगा तो उन्होंने कहा कंपाउंड्स को क्या करता हूं मैं अपोजिट चार्जेस के तरीके डिवाइड कर देता हूं एक को कहता हूं एसिड और एक को कहता हूं बेस उन्होंने उन कंपाउंड्स को स्टडी किया और कहा कि एसिड क्या है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन सोल्यूशन सॉल्वेंट में जाएंगे और आयनाइजेशन के थ्रू H+ देंगे सीधी तो सी बात है इस थ्योरी को अभी जैसे अभी जैसे हम समझ रहे हैं ना कि अभी मैं आपसे कहता हूं एसिड क्या है तो एसिड सुनते ही दिमाग में बात क्लिक कर जाती है कि एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा एच प्लस डोनर होगा इस तरीके की बातें आती हैं कि नहीं आती हैं आती है ना तो इस टाइम पे ऐसा नहीं था इस टाइम पे एसिड बेस का मतलब हमें पता ही नहीं था तो तो इस समय इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी तो इसका मतलब हुआ कि एक कंपाउंड है वो कंपाउंड एच प्लस रिलीज कर रहा है इसके बाद जब अगली थ्योरी आई तो अगली थ्योरी ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने इनके हिसाब से मैं सिर्फ देखो एसिड पर फोकस कर रहा हूं बेसिस जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट होते जाएंगे ठीक है तो उन्होंने ब्रॉन्स्ट लोडी ने कहा कि नहीं नहीं एसिड क्या है एच प्लस डोनर मतलब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको कि एक कंपाउंड के अंदर से एच प्लस रिलीज हो रहा है यही कॉमन दिख रहा है एक कंपाउंड के अंदर से क्या हो रहा है एच प्लस रिलीज हो रहा है ठीक है अब इसके बाद जब अगली थ्योरी आई तो अगली थ्योरी में क्या हुआ जरा देखो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का एसिड क्या थे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब कि एसिड के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर रहा होगा ना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी इसका मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहा होगा कुछ कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर रहा होगा बिल्कुल सही बात है अब इसके बाद फ्लड जी आए आया फ्लड जी ने अपनी एसिड कॉन्सेप्ट थोड़ी दी उसमें भी यही चीज खुलकर सामने आई क्या कि आपके ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर मतलब फिर से उनके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है है कि नहीं है फिर उसके बाद जब अगली जो बिल्कुल खतरनाक थ्योरी थी सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन उसने भी कहीं ना कहीं ये बात हमसे कही क्या कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम कैटाइनिक पार्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो कैटाइन से रिलेटेड है आपका क्या एसिड कैट आइनेक्स से रिलेटेड है पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड है ठीक है इसके बाद जो अगली थ्योरी आई अगली थ्योरी क्या सॉल्वेंट बेस्ड डेफिनेशन पे बेसिस को ये बोला गया अगली थ्योरी हम लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया इसको अगली थ्योरी जो आई वो आई क्या यूसाइनविक कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बात को ओपनली कह दिया इन्होंने इस बात को ओपनली क्या कह दिया कि एसिड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच न एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और निगेटिव कैरेक्टर और दे कैन डोनेट द पॉजिटिव कैरेक्टर जरा इस बात को समझ, ध्यान समझो भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या फिर किसी एनआईन को एक्सेप्ट करना एक तरीके से क्या है निगेटिव कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना और कैटाइन को डोनेट करना यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर दो बार लिख दिया यहां पर पेयर नहीं होगा ठीक है ये पेयर नहीं होगा सिर्फ कैटायन डोनर कैटायन डोनर का मतलब क्या हुआ कि वो H प्लस को डोनेट करे या फिर इनडायरेक्टली सॉल्वेंट के कैटाइनिक पार्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे मतलब कहीं ना कहीं ये थ्योरी भी पॉजिटिव कैरेक्टर से रिलेटेड थी ठीक ही नहीं थी बोलो भाई पॉजिटिव कैरेक्टर से रिलेटेड थी तो अगर मैं सारे के सारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट को आपस में जरा कनेक्ट करने की कोशिश करूं अगर मैं सारे के सारे को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है जरा ध्यान से समझिएगा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है ये किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है एसिडिक कैरेक्टर होता है वो उसके वो उसके पॉजिटिव कैरेक्टर से कनेक्टेड होता है पॉजिटिव कैरेक्टर से कनेक्टेड होता है पॉजिटिव कैरेक्टर से कनेक्टेड होता है बोलो अगर मैं ये बात बोल दूं तो कुछ गलत बोल रहा हूं बोलिए भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी भी कंपाउंड का जो बेसिक कैरेक्टर होता है जो किसी कंपाउंड का क्या होता है बेसिक कैरेक्टर होता है जो उसका बेसिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है वो क्या होता है वो उसका एनाइनिक सॉरी निगेटिव कैरेक्टर होता है क्या होता है उसका निगेटिव कैरेक्टर निगेटिव कैरेक्टर का मतलब और पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है जरा इस बात को सही से एक्सप्लेन कर दीजिए सर जी अगर ऐसा आपके दिमाग में सवाल है तो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी एच प्लस लेने की टेंडेंसी सॉल्वेंट में एनाइनिक पार्ट को बढ़ा देने की कैटाइनिक पार्ट के कैटाइनिक पार्ट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देने की टेंडेंसी मतलब या तो वो कहीं से किसी कैटायन को एनहांस कर रहा हो या तो खुद कैटायनिक कैरेक्टर की वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से कैरेक्टर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा हो ऐसा कंपाउंड ही आपका क्या कहलाएगा ऐसे कंपाउंड का ये जो नेचर होगा वही उसका क्या होगा एसिडिक नेचर होगा बताओ अगर मैं ये बात कह दूं तो कुछ गलत कह रहा हूं यही सारी की सारी थ्योरीज मुझसे कह रही है मैंने क्या किया उन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर दिया इसी तरीके से बेसिक कैरेक्टर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया निगेटिव कैरेक्टर से कनेक्ट कर दिया तो बोलो कुछ गलत किया कुछ गलत किया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं अगर मैं मैं कहूं कि कि आपके पास तीन और मैं उसमें आपसे पूछना चाहूं एसिडिक क्योंकि एट लीस्ट हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना आना चाहिए ठीक है सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम तो चलेगा का नहीं तो अगर मैं कहूं कि एसिडिक कैरेक्टर हाइएस्ट एसिडिक कैरेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इफ रेक्टर highest, highest तो कुछ गलत होगा मतलब अगर किसी कंपाउंड में अगर किसी कंपाउंड में हाइएस्ट एसिडी कैरेक्टर को फाइंड करना हो तो आप वहां पर क्या फाइंड करना है आपको हाइएस्ट कैरेक्टर को क्या करना है फाइंड करना है बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है जुड़े रहिए अभी बेसिक कैरेक्टर हाइएस्ट बेसिक कैरेक्टर की बात करूं हाइएस्ट बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो हाइएस्ट बेसिक कैरेक्टर किससे रिलेटेड होगा बताओ किससे रिलेटेड होगा सीधी सी बात है वो किससे रिलेटेड होगा हाइएस्ट हाइएस्ट निटिव निगेटिव हाइएस्ट निगेटिव कैरेक्टर से हाइएस्ट निगेटिव कैरेक्टर से और अगर मैं आपसे एक बात और कह दूं ठीक है इतनी बातें जब मैं आपसे कह ही रहा हूं तो अगर मैं आपसे एक बात और कह दूं क्या कि भैया एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आखिरकार क्या होता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर तो मैं आपसे कह दूंगा सीधा भाई कि कैटाइनिक कैरेक्टर का मतलब कैटाइनिक सॉरी कैटाइनिक नहीं पॉजिटिव सॉरी यहां पर पॉजिटिव कर दीजिए इसको ठीक है कैटाइनिक नहीं कैटाइन तो हो गया आपका यहां पर इसको पॉजिटिव ठीक है ये क्या आपका पॉजिटिव कैरेक्टर तो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया अगर मैं आपसे कहूं पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब हो गया अगर मैं पॉजिटिव कैरेक्टर को अगर मैं पॉजिटिव कैरेक्टर को रिलेट कर दूं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से किससे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पॉजिटिव

स्ट्रॉगेस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होगा स्ट्रॉंगेस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होगा कि क्या नाम है पॉजिटिव कैरेक्टर डेंसिटी देख चेक करनी होगी जिसमें पॉजिटिव करेक्टर डेंसिटी ज्यादा वही आपका हाईस्ट एसिड हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मतलब उस एसिड के अंदर डेंसिटी की वजह से उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वह एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा एज कंपेयर टू अदर होगा कि नहीं होगा इसी तरीके से अगर मैं निगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं निगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, कर रहा हूं से ध्यान से समझते रहना भैया बिल्कुल ध्यान से समझते रहना अगर मैं निगेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो अगर मैं आपसे कह दूं निगेटिव चार्ज डेंसिटी निगेटिव चार्ज डेंसिटी तो मैंने कुछ गलत कहा क्या मैंने कुछ पाप कर दिया कुछ नहीं किया ना इसी कॉन्सेप्ट को इसी कॉन्सेप्ट को जरा प्यार से समझा गया इसी कॉन्सेप्ट को प्यार से समझा गया देखा गया और यह पाया गया कि मैं अपने एसिड्स को मैं अपने एसिड्स को उनकी चार्ज डेंसिटी के आधार पर भी डिवाइड कर सकता हूं मैं अपने एसिड्स को अपनी चार्ज डेंसिटी के आधार पर भी क्या कर सकता हूं डिवाइड कर सकता हूं इसका मतलब है हम एसिड्स और बेसिस को भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दियर पॉजिटिव एंड निगेटिव कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन दियर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड निगेटिव चार्ज डेंसिटी किसी के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो सकती है अगर मैं एसिड आपसे कह रहा हूं एसिड कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं किसी के पास पॉजिटिव समझ ध्यान समझिएगा डेंसिटी अगर किसी के पास डेंसिटी बहुत हाई हो सकती है किसी एसिड के पास या फिर उसके पास जो उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ठीक है, है ये क्या हो सकती है लो हो सकती है क्या हो सकती है लो हो सकती है तो इस आधार पर मैं कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं किस पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं कोई सोच के बता सकता है कोई क्या क्या कोई क्या क्या इसमें जितने लोगों बात सोच के समझा सकता है कि हाँ, है कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी से रिलेटेड सारे के सारे इसी से रिलेटेड है एसिड बेस में जहां पर अब जो भी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी पड़ेगी जब मैं वहां पर आपको कहूंगा कि इससे कंपेयर करना तो आप कभी सवाल नहीं करोगे किसी का भी सवाल नहीं करोगे कि आखिरकार इसके आधार पर क्यों कर रहे हैं ये बात आज समझोगे बताओ इस आधार पर मैं एसिड को किस दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ऐसा कौन सा रूल है जो आपने पढ़ा हुआ है जो कि यहीं से निकला हुआ है जनरलाइजेशन से ही निकला हुआ है क्या कोई कमेंट करके बता सकता है बताइए भाई बोलो 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 फटाफट बोलो फटाफट ठीक है भाई बाल बाल साफ कर लिए स्ट्रॉन्ग एंड वी से बिल्कुल मीनू कुमारी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल ऐसे हवा में नहीं आ गया था ऐसे हवा में नहीं आ गया था हॉफ सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल कि बस एकदम से किसी ने सोचा हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल पर दिया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ट प्रिंसिपल आरहीनियस थ्योरी थ्योरी लोरीस्ट लॉरी थ्योरी आपकी क्या नाम है लक्स फ्लड थ्योरी आपकी लेविस कॉन्सेप्ट आपका सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन आपका यूसैनविक कॉन्सेप्ट इनके बाद इन सबका जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन करने के बाद इन चीजों को समझना और इन चीजों को समझने के बाद इन चीजों को समझने के बाद एसिड्स को, को, को भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इस आधार पर इस सोच पर काम तब शुरू हुआ और तब हम लोगों ने हाई चार्ज डेंसिटी वाले कंपाउंड्स को हार्ड एसिड्स बोल बोल दिया क्या बोल दिया क्या हार्ड एसिड्स और इनको क्या बोला गया लो डेंसिटी डेंसिटी लो हो गई तो उसे हमने क्या बोल दिया सॉफ्ट एसिड क्या बोल दिया सॉफ्ट एसिड और इसी आधार पर जन्म हुआ किसका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल का तो आप ये जो बचपन से पढ़ते हुए आते हो ना हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल ये यहीं से जन्मा था यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू हुई थी इसीलिए आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल आया था तो आप हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल क्या है अब आपको ना समझने की जरूरत ना समझाने की जरूरत कभी मैं आपको कहीं एसिड बेसिस कंपेयर कराऊंगा उसमें आपके बीच में बेसिक जो हमारा एक दिमाग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हमारी कमी रहती थी, वो नहीं रहेगी तो समझ में आया ना कि एसिड बेस प्रिंसिपल आया कहां से था मतलब गजब हो गया कि मतलब कि इतनी अच्छी तरीके से आपने चीजों को कनेक्ट करके समझा कि आपको समझ में आ गया कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में एसिड बेस प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है तो हमने आज के लेक्चर में सिर्फ इसी पर ध्यान दिया कि एसिड बेस प्रिंसिपल होता क्या है किस तरीके से सोच डेवलप होती है किस तरीके से बनते हैं और किस तरफ से किस तरीके से नई नई थ्योरी जाती है अब इनमें आगे और क्रांतिकारिक परिवर्तन होते गए क्रांतिकारिक परिवर्तन क्या होते गए क्रांतिकारिक परिवर्तन ये होते गए कि आपके हार्ड एसिड्स को देखा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड बेसिस के साथ ही स्टेबल कंपाउंड्स बनाते थे ये क्या करते थे हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस ही आपस में क्या करते थे स्टेबल होते थे अगर हार्ड को सॉफ्ट के साथ मिलाओ तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी तो वही बात बाद में समझ में आई कि अगर यहां पर ज्यादा चार्ज है ठीक है अगर किसी की भूख ज्यादा है तो उसको भी अपना जो कैरेक्टर चाहिए सामने वाला वो भी उतना ही खतरनाक चाहिए तब जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे अच्छे से न्यूट्रलाइज हो पाएंगे क्या हो पाएंगे अच्छे से न्यूट्रलाइज हो पाएंगे इसका मतलब है इसका मतलब सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकते हो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है क्या है न्यूट्रलाइजेशन तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो थी जिस प्रोसेस को समझने के लिए ही एसिड बेस को हमने खंगोलना शुरू किया था स्टार्टिंग में उस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले जब आर्नियस ने समझा और एक्सप्लेन किया तो कैसे एक्सप्लेन किया था उन्होंने कहा था न्यूट्रलाइजेशन इस प्रोसेस इज नथिंग इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओ माइनस आयन एच प्लस आयन और ओ माइनस आयन का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है आपका एसिड बेस में न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है इसका मतलब एक एक सवाल सबके दिमाग में आया जो अभी मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा अभी हमें इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हम कंपेयर करने के लिए फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे एसिड बेस में अलग अलग फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं जैसे कुछ होता है आपका एंट्रोपिक फैक्टर एंट्रोपिक फैक्टर या फिर एंथेल्पिक फैक्टर या फिर एंथेल्पिक फैक्टर तो एंट्रोपिक और इंथापिक फैक्टर को हम लोग अलग अलग वर्ड्स में पढ़ते आ रहे हैं उसी बात को मैं आपको थोड़ा थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेट करके चीजों को समझाऊंगा तब आप समझेंगे कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस तो मैं आपसे ये सिर्फ बताना चाहता हूं देखो अगर कोई स्ट्रोंग एसिड है तो उसको स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए होगा ताकि वो अच्छे से न्यूट्रलाइजन कर सके ऐसा इसलिए इस तरीके से समझ सकते हो कि स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है बोलो ये बात तो आपको समझ में आई रही होगी कि इनको मिलाने से क्या हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है लेकिन अगर मैं कहूं कि एक वीक एसिड है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जा रहा है तो यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन होगा जहां यहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा यहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहां पर जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहां से जो न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी निकलेगी यहां से जो एनर्जी निकलेगी और यहां से जो एनर्जी निकलेगी इन दोनों की एनर्जी क्या सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी इन दोनों की एनर्जी सेम होगी या फिर इस केस में ज्यादा होगी क्योंकि एसिड बेस तो न्यूट्रलाइजेशन तो सिर्फ एच प्लस और एच आयन का जुड़ना ही तो है इसन सिर्फ एच प्लस आयन आए नए माइनस का जुड़ना ही तो है तो आप चाहे वीक एसिड यूज करो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करो वो है तो एच प्लस में और माइनस आया नहीं है ना तो एच प्लस माइनस आना है तो इन दोनों की न्यूट्रलाइशन में जो एनर्जी आ रही है वो सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए बताइए जरा सब लोग बताइए जरा सब लोग यहां पर ये यह सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए आप सब लोग बताइए बताइए भाई सब लोग बताइए क्या यहां पर ये चीज सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए एक बार फटाफट तेजी से जल्दी जल्दी सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए ठीक है सेम आनी चाहिए या डिफरेंट आनी चाहिए बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए जल्दी जल्दी बताइए सेम आनी चाहिए डिफरेंट आनी चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट में ज्यादा होगी डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट आएगी बिल्कुल डिफरेंट आएगी बिल्कुल सही समझे आप कि आपका जो एसिड बेस है वो H प्लस और OH माइनस के एडिशन से बनकर न्यूट्रलाइजन तो कर रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस केस में न्यूट्रलाइजेशन परफेक्ट हो रहा होगा लेकिन सॉफ्ट वाले केस में क्या होगा H प्लस और H आपस में उतनी अच्छी तरीके से आपस में मिल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि वीक एसिड से आपका H प्लस का जो रिलीज हो रहा होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पा रहा होगा इसलिए ज्यादा अच्छी तरीके से जो लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे तो यहां पर अलग एनर्जी होगी यहां पर अलग एनर्जी होगी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका हार्ड के साथ हार्ड मिलेगा ना जब हार्ड के साथ हार्ड हार्ड मिलेगा तो वो अच्छे से न्यूट्राइजन कर पाएगा इसलिए वो अच्छे कंपाउंड बनाएंगे इसलिए उनकी एनर्जी कम होगी इसीलिए हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के आधार पर आप कंपाउंड्स को जब अलग अलग एसिड्स में कंपेयर करना चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक्साम्पल बताता हूं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ट प्रिंसिपल का आप मेटल आयंस जो होते हैं आपके क्या होते हैं भाई मेटल आयंस क्या होते हैं भाई मेटल मेटल आयंस तो मेटल आयंस बेसिकली क्या होते हैं मेटल आयंस के पास क्या होता है पॉजिटिव कैरेक्टर होता है कैसा कैरेक्टर होता है पॉजिटिव कैरेक्टर होता है और पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कि वो किसका काम कर सकते हैं आपके एसिड का, का काम कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहूं ऑन द बेसिस ऑफ एक मिनट ऑन द बेसिस ऑफ मैं उन्हें हार्ड सॉफ्ट में कंपेयर कराना चाहूं तो मैं अगर ए एल प्लस थ्री को ले रहा हूं तो ए एल प्लस थ्री में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है एक तो इलेक्ट्रॉन चार्ज ज्यादा है और दूसरा चार्ज के बाद उसका साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका हाई होगा मतलब यहां पर क्या होगा हार्ड एसिड लेकिन अगर मैं इसी जगह कोई एक ऐसा ए, मेटल आयन यूज करूं जिसके ऊपर चार्ज भी कम हो और इवन उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो क्या ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो डी ऑर्बिटल्स तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं डिफ्यूज होते हैं और ये डिफ्यूज होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो अपने अंदर कंटेन करेंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी इसका मतलब है अब आप एल प्लस थ्री को हार्ड एसिड और सी यू प्लस को क्या करोगे सॉफ्ट एसिड में डिवाइड कर सकते हो एक ये बात ये हो गई दूसरी बात क्या हो गई जब हाईएस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर की बात करी तो हाईएस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब हो गया आपका यहां पर हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर का मतलब हो गया हाईएस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर और हाईएस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर आप किस में कह सकते हो एच प्लस आयन क्या हो सकता है आपका एच प्लस आयन तो एच प्लस आयन जो प्रोटोन होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे खतरनाक होगी होगी कि नहीं होगी क्योंकि सिर्फ वन एस ऑर्बिटल और उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और न्यूक्लियस कितना छोटा होता है एक एटम अगर एक फुटबॉल के बराबर है तो उसके फुटबॉल ग्राउंड के बीच में सेंटर पर रखी हुई जो फुटबॉल होगी वो उस न्यूक्लियस के काम करती है उस उस एटम के अंदर न्यूक्लियस का इतना छोटा होती है तो इसने छोटे चार्ज में अगर इसका आपका कैटाइनिक चार्ज प्रेजेंट है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो खतरनाक लेवल की होगी बहुत खतरनाक चार्ज डेंसिटी होगी तो ये स्ट्रोंगेस्ट हार्ड एसिड आप इसे बोल सकते हो और इसीलिए इसीलिए आपका जो H प्लस आयन होता है आपका जो ये H प्लस आयन होता है ये H प्लस आयन ये H प्लस आयन इसको आप कहीं पर रख नहीं सकते ऐसे नॉर्मली इसे इंडिविजुअली क्या नाम है अटेन करना इतना आसान नहीं होता गैसेस स्टेट में आप इसे निकाल लेते हो जब इसका इंट्रैक्शन होने की कम, कम, प्रॉबिलिटी कम हो लेकिन अगर आप इसे हल्की सी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दोगे ये तुरंत उसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी है बहुत ज्यादा भूखा है ये इसलिए अगर इसे एन के साथ रखोगे तो यह एन एच फोर प्लस की तरीके यह एन एच फोर प्लस कैरेक्टर दिखाएगा अगर यहां पर आप क्या करोगे वाटर रखोगे तो ये वाटर की तरीके एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाएगा ये क्या करेगा एस ओ प्लस की तरीके क्या करेगा करानी करेक्टर दिखाएगा और इसीलिए 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 किसी भी सॉल्वेंट में अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर सॉल्वेंट में वाटर सॉल्वेंट में जरा ध्यान समझना ये बात वाटर वाटर सॉल्वेंट में वाटर सॉल्वेंट में सबसे हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट एसिड पॉसिबल जो होता है हाईएस्ट एसिड पॉसिबल होता है वो क्या होता है कोई भी एसिड हो अगर कोई भी एसिड है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है कोई भी एसिडिक है जो वाटर से या फिर मैं कहूंगा कहूँ क्योंकि वाटर में अगर किसी एसिड को डालोगे तो एसिड के डालने से क्या होता है वह एस्थ्री प्लस बनता है तो कोई भी एसिड हो जो स्त्रीओ प्लस से ज्यादा एसिडिक हो कोई भी एसिड जो एस्थ्रीओ प्लस से ज्यादा एसिडिक हो अगर उसको वाटर में मिला दो तो वाटर में सिर्फ और सिर्फ एस्थ प्लस सॉलिड बचता है एसिड बचता है वाटर में सिर्फ एस प्लस एसिड है जो हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है उसके अलावा जितने भी हाइएस्ट एसिडिक कैरेक्टर वाले एसिड डालोगे वो सब क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे और अकेला एसिड ये बनेगा इसको हम लोग समझेंगे अगले चैप्टर में आज मैंने आपको एसिड बेस का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया अब हमारा काम क्या है वन बाई वन वन बाई वन एक एक थ्योरी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है और जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है उस थ्योरी को अच्छे से खोलना है ओपन करना है और उस थ्योरी के अंदर रिलेटिव इफेक्ट्स देखने हैं एंट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है और आपका क्या नाम है इंथेलपिक इफेक्ट क्या होता है सोलवेंट का इफेक्ट क्या होता है फलाना इफेक्ट क्या होता है धमाका इफेक्ट क्या होता है और सारे एसिड बेस करेक्टर को अगले लेक्चर से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे बोलिए भाई बोलिए ये बात आपको क्लियरली सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई ठीक है

है, ठीक है और H प्लस आयन डोनर एक्सेप्टर के आधार पर कॉन्जुगेट एसिड विस थ्योरी आई इसके बाद लेविस आए भाई लेविस जी ने कहा ना बेटा ना देखो आप लोग बातें तो सही कह रहे हो लेकिन आप क्या कहो आप कहो लोन पेयर आप कहो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं आपके एसिड तो यहां पर एक मिनट हाँ, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन्होंने यहां पर कहा कि लेविस बेसिकली कुछ नहीं है लोन एक्सेप्टर होते हैं इन्होंने कहा कि देखो आप गलत कह रहे हो ऐसी बात नहीं है इसके बाद इन्होंने ये कहा चलो ठीक है ठीक है यहाँ पर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आया सही कर दिया मैंने उसे सही कर दिया यहाँ पर जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ आया रिलेटिव स्ट्रेंथ को इन्होंने क्या इन्होंने क्या कहा कि देखो ये लेविस के पर, लेविस के साथ, साथ आधार पर साथ कि कि आपके ऑक्साइड एक्सेप्टर है ऑक्साइड एक्सेप्टर है और उसके बाद यहां से जो हमारा दिमाग निकला था वो आया दिमाग और उन्होंने उसके आधार पर क्या आया सोलवेंट बेस्ड डिफिनेशन आई और सोल्वेंट बेस्ड डिफिनेशन ने क्या कहा कि कैटाइनिक पार्ट yeah. की कैटायनिक पार्ट की कैटायनिक पार्ट की कैटायनिक पार्ट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा आपका सॉलिड होगा वो एसिड होगा मतलब ये स, जो सॉल्वेंट में ऑटो आयनाइजेशन कराया जा रहा है उस ऑटो आयनाइजेशन से बनने वाले कैटायनिक पार्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा आपका सॉलिड होगा इसके बाद आए भैया आपके क्या यू सैंडविच कांसेप्ट तो ये यूसैनिक जो है आपको मैं इसको सही से तो अगर नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा जो आया ने कहा देखो बात ऐसी है कि आप सबकी बातों को मैं जनरलाइज कर देता हूं और क्रेडिट खा लेता हूं और जनरलाइज मैं कैसे कर रहा हूं मैं जनरलाइज ऐसे करता हूं कि आप कैसे हो कह दीजिए कि कैटायनिक कैटायनिक डोनर कैटायनिक डोनर या फिर एनाइनिक या फिर एनाइनिक एक्सेप्टर क्या होते हैं एनाइनिक एक्सेप्टर होते हैं आपके एसिड मतलब यहां पर जरा ध्यान से आप समझिएगा बात यहां पर क्या है बात यह है कि कैटाइनिक डोनर का मतलब हो गया कि वो एच प्लस भी डोनेट कर सकता है या फिर किसी सॉल्वेंट के कंसेंट्रेशन को भी बढ़ा सकता है और क्या किया? इसको किया, इसके बाद कॉन्सेप्ट सारे सारे को क्या किया जनरलाइज करके देखा और जनरलाइज करने के बाद हमें पता चला कि जो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर किसी कंपाउंड का होता है पॉजिटिव कैरेक्टर वही उसका क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड होता है और एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड होने के बाद

उनके प्लस पॉइंट्स उनके माइनस पॉइंट्स को पढ़ना है ठीक है और उसके बाद क्योंकि हमें बा, हमें तो सारी कहानी अब समझ में आ गई है और उसके बाद जो मेन काम है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ये हमारा अगला आने वाले लेक्चर का काम था आज हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है सारे के सारे एसिड बेस का तो बताइए भाई कैसा लगा आपको ये लेक्चर और अगर आप कोई सब कोई भी सजेशन और कोई भी नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी ठीक है नेक्स्ट क्लास कब होगी मैं आपको बता देता हूं परसों होगी जरा ध्यान से समझ लीजिए आपकी आज क्या है आज मंडे है मंडे है और आपकी वेडनेसडे को वेडनेसडे को वेडनेसडे को वेडनेसडे को 5 पीएम पर 5 पीएम पर या फिर 7 पीएम पर ठीक है 5 पीएम पर या फिर 7 पीएम पर आपका क्या होगा 5 पीएम या 7 पीएम पर आपका आएगा लेक्चर 2 ऑफ एसिड इज ठीक है लेक्चर टू तब हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले सबको बता दीजिए कि ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका है सब लोगों को बता दीजिए जितने आपके दोस्त मित्र सखा सब लोग हैं आ जाइए जुड़ जाइए इस लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे आप सभी के साथ लाइव ठीक है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग से जितना प्यार तुम्हें था उतना ही प्यार तुम्हें एसिड बेस से हो जाएगा और उसके बाद पूरी की पूरी एसिड बेस के साथ साथ पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक से भी प्यार हो जाएगा क्योंकि चीजें जब समझोगे तब आती है चीजों में ठीक है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कल शाम को 8 बजे 7 बजे ठीक है 7 पीएम पर कल शाम को 7 पीएम पर हम लोग कैरोथर्स हम लोग कैरोथर्स का क्या करेंगे कैरोथर्स का चैप्टर नंबर वन लाइव पढ़ेंगे चैप्टर नंबर वन लाइव पढ़ेंगे ठीक है तो अभी इसके बाद अभी यहां पर आपको आज रात को 9 नाइन पी पर नाइन पीएम पर स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री वन लाइट यू कैन टर्न ऑफ इस एक क्या नाम है इस वाली को ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा नाइट चली गई है ठीक है तो ऑफ हो सकता है ये किसी भी समय पर तो 9 पीएम पर स्टीरियो कमिस्ट्री तेसर लाएंगे उसके बाद सात बजे हम लोग का एक नया प्रोग्राम है जो लॉन्चिंग कर रहे हैं उसकी हम लोग बात करेंगे तो बताइए भाई कैसा लगा आपको लेक्चर कैसा लगा आपको आज का लेक्चर जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन जिन ने क्या नाम है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर देना अगला लेक्चर के लिए आप पाँच अगले मतलब वेटनेस डे के लिए तैयार रहना सबको बता देना कि ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है चलिए कमेंट जरूर करिएगा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ठीक है यहां पर जो कम्युनिटी सेक्शन में आप चैट कर रहे हैं वो तो ठीक है जब वीडियो आ जाए पांच मिनट बाद तो कमेंट कर भी सकते हैं वहां पर ठीक है और लाइक सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा बहुत बहुत धन्यवाद एसिड बेस चैप्टर में आज इतना ही पढ़ना था होपफुली अगर किसी को कोई बात कुछ कुछ कहना है कुछ समझाना है कुछ डाउट है तो आप मुझसे अभी भी क्लियर कर सकते हैं अगर एक भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह रहा है ठीक है नहीं तो फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच एवरी वन आपका मैटर नेट के लिए काफी है ये जो हाँ एक एक इंपॉर्टेंट बात है मैंने शायद सभी सब को, को नहीं बताई है ये जो बायो ये जो आपका एसिड बेस्ड चैप्टर चलने वाला है ये जैम के लिए ठीक है जैम के लिए नेट के लिए और गेट के लिए जैम नेट गेट ठीक है आप चाहे डी का एग्जाम दे रहे हो बी का एग्जाम दे रहे हो और इवन चाहे आप क्या नाम है यूपीएससी केमिस्ट्री ऑप्शनल दे रहे हो या फिर जियो केमिस्ट्री दे रहे हो सब जगह कॉन्सेप्ट हर जगह आते हैं हर जगह काम आते हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब लोग मिलेगा अगले लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद यूं जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच ओके यू कैन टर्न इट ऑफ बाय बाय